ऑटिज्म से ऑटिज्म से पीड़ित पीड़ित बच्चों के लिए बच्चों के एक लिए एक समारोह का समारोह का आयोजन आयोजन लुधियाना लुधियाना के के एसटीडी एसटीडी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज के के ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम में में किया किया गया गया है। है। इसकी इसकी अध्यक्षता अध्यक्षता की की लुधियाना लुधियाना के के एसटीडी एसटीडी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज के के ही ही प्रिंसिपल प्रिंसिपल धर्म धर्म सिंह सिंह संधू संधू जी जी ने, ने, और और ये ये कार्यक्रम कार्यक्रम था था दर्पण दर्पण की की तरफ तरफ से से आयोजित। आयोजित। लैंडस्केप में कर देना, लैंडस्केप में क्लैरिटी प्रॉपर आ जाएगी। वेदों की फ्यूजन था, यानी यहाँ पर हम साथ साथ हैं, फिल्म का गाना भी चल रहा था और साथ साथ शोले का भी स्टाइल चल रहा था। कैसे पीछे खड़े बच्चे धरती पे माँ बाप का रूप बता रहे हैं और आगे ये गब्बर सिंह बैंड में बुलाते हुए अपनी साइलेंट आवाज में पूछा कितने आदमी थे। ज्यादा बढ़िया के हमारे इस समाज के स्पेशल हिस्से को एडॉप्ट करते हैं और उनके उनको जो उनमें टैलेंट भगवान ने दिया है उसको आप सर्च करके उसको उभारते हो। एक नॉर्मल इंसान को तो एडॉप्ट के साथ कुछ भी सिखाना सो इजी, ये चैलेंज को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है। आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, 2 अप्रैल को कई सालों से मनाया जा रहा है। 2007 में यूनाइटेड नेशन ने आज के दिन को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाने के लिए ऐलान किया है। ऑटिज़म एक ऐसा ये है जिसके बारे में लोगों को कम पता है, इसको जागरूक करने के लिए सोसाइटी में इस डे को स्पेशली मनाया जाता है और हर साल हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनाते हैं। इस साल हमने 2 प्रोग्राम रखे हैं, कल 1 अप्रैल एंड आज 2 अप्रैल। कल 1 अप्रैल को हमने रन फॉर ऑटिज़म रखा था जिसमें सोसाइटी को अवेयर करने के लिए मॉर्निंग में हमने ये प्रोग्राम रखा जिसमें हमारे लुधियाना के डीसी साहब प्रदीप अग्रवाल जी आए, फ्लैग ऑफ उन्होंने किया और करीब 1500 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए। बच्चे प्लस लुधियाना के जाने माने लोग भी इसमें सम्मिलित हुए इस अवेयरनेस कैंपेन में। और आज 2 अप्रैल जो वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे है, इस पे स्पेशल बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया और उन्होंने ये जता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें ये की है। हमारे साथ अमिता जी हैं और आपका शुभ नाम मैम, दिव्या जी हैं और रुशिका जी हैं, तीनों ही। तो आइए इन तीनों से ही पहले जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे इनको समाज सेवा का जो है मौका मिलता है और कैसे कैसे इनको अच्छा लगता है। पहले अमिता जी बताइए। आज हम इस संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो दर्पण संस्था और उड़ान हमारी टीम है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो उस टीम्स के थ्रू हमें ऐसे मौके मिलते रहते हैं कि हम किसी की हेल्प कर सके और हमें भी अच्छा लगता है। हम भी इन सब चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं और एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं करते हैं। जी दिव्या जी, आपका क्या कहना है? मैं देखो बहुत अच्छा लगा, मैं उड़ान टीम के साथ दर्पण के बच्चों के साथ आज ऑटिज्म डे मना रहे हैं हम लोग। तो ऑटिज्म बच्चों के साथ मिलके मतलब खुद को एक तरह से बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मल लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और ऐसे बच्चों को तो लोग मतलब पेरेंट्स क्या मतलब कोई भी इतना टाइम नहीं दे पाता कि उनसे बात करें या उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करें। बट इनके साथ आके मन को बहुत ही खुशी मिलती है और अच्छा लगता है कि हम इनका इस संस्था के साथ जुड़े रहें। रुशिका जी, बहुत लंबे समय के बाद फिर से
वॉइस ऑफ एशियंस की टीम के साथ जुड़ी हैं, हमारी एंकर भी हैं और रिपोर्टर भी हैं। तो रुशिका जी, आज से फिर आपका एक नया स्टार्ट हुआ वॉइस ऑफ एशियंस के साथ, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, कमबैक अच्छा है। तो क्या योजनाएं हैं भविष्य की इन बच्चों के लिए खासकर? कुछ नहीं, आई वॉज थिंकिंग कि हम इनको ज्वाइन करें दोबारा से स्कूल के अंदर, जैसे वीकेंड्स पे जाके पढ़ा सके, तो कैसे वो कर सकते हैं उस चीज़ को आगे सोचेंगे, उसको और अच्छे से बेटर कैसे कर सकते हैं इन सबको, और ऐसे फंक्शंस करते ही रहेंगे। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी बहुत सी आइटम्स को प्रस्तुत किया और बड़ी गिनती में सोशल वेलफेयर के फील्ड से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल थे, जिनमें ज्योतिषाचार्य सुखमिंदर और जनीशा दोनों को कार्यक्रम की एंकरिंग करते हुए देखा गया और वहां विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थी अमृत वर्षा रामपाल, काउंसलर और एडवोकेट बीके रामपाल। इसके अलावा इंडियन आइडल एकेडमी से रविनंदन शर्मा, सोनिया शर्मा, पत्रकार कृति कोहली, अमिता पुन्यानी विशेष तौर पर उपस्थित थे और आखिर में अतिथियों का धन्यवाद किया दर्पण की प्रमुख नलिनी अरोड़ा और इंद्रजीत जी ने। वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से ऋषिका पुन्यानी की रिपोर्ट।